वेलकम टू द सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट दोस्तों। और जैसा कि हम सभी बहुत काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और सभी लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। और समय कमी होता है हमारे पास में, तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सर्वे इंजीनियरिंग में जो सर्वे का काम करते हैं भाई और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, कि बबल सेट करना सही तरीका कोई नहीं बताता। साइट पे तो कोई बताएगा भी नहीं, मैं भी आपसे बता रहा हूँ। तो एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि बबल सेट का 5 सेकंड में बबल सेट हो जाता है। बस ट्राइपॉड लगाया, स्क्रू को सेट किया, 5 सेकंड में बबल आ जाएगा। तो इसको आप आखिरी तक देखो, वादा करता हूँ कि 5 सेकंड में आपका बबल सेट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और हम ऑफिशियल जीमेल आईडी है thecivilengineerbudget@gmail.com पर भी हमें लिख सकते हैं आपके सुझाव, आपके सवाल, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। और आज हम हैं एक साइट पर जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं, लाइव विजिट है हमारा, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि भाई किस तरह से ऑटो लेवल का बबल सेट करते हैं। तो भाई हमारा ट्राइपॉड पे मशीन सेट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सी मशीन है। तो मशीन है हमारी शोकिया की B40A मॉडल की, और आप देखिए कि ये बहुत ही शानदार मशीन है। मशीन का रिव्यू तो मैं नहीं कर रहा, ये हमारा फोकसिंग स्क्रू और ये हमारा माइक्रो मूवमेंट स्क्रू, और एक हमारा इसमें क्रॉस जो डार्क क्रॉस करने के लिए एक स्क्रू है। तो ये चीज हमें जब रीडिंग पढ़ोगे तो ध्यान रखनी है। और देखते हैं कि देखो बबल सेट करना 5 सेकंड में ही हो जाता है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाता है, क्योंकि हमें मशीन सेट करना नहीं आता। बबल सेट तो अपनी जगह पे, मशीन रखना सीखो। ट्राइपॉड पे मशीन रखते कैसे हैं भाई? हमारे ट्राइपॉड में तीन तरह के जो स्क्रू होते हैं, तो तीनों तीनों स्क्रूओं को ट्राइपॉड, अपने ऑटो लेवल के तीनों स्क्रू को ट्राइपॉड के तीनों लेग के ऊपर रखो। ये हमारा जिसका शेप ही ऐसा होता है, और शेप के हिसाब से रखोगे तो आप बबल सेट 5 सेकंड में कर सकोगे इस तरह से। ये इधर से उधर हमारा हो गया है। अब क्या करना है आपको, देखो मशीन सेट की, ऑटो लेवल से ट्राइपॉड पे रखा, तो आपको देखना है कि लैग अपनी जगह पे है कि नहीं है। नहीं है तो करो, ताकि आप 5 सेकंड में बबल सेट कर सको। और एक तरीका और जो कोई नहीं बताने वाला, और मैं आपको लेकिन बता रहा हूं, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए काम करते हैं। और अब हमारा काम शुरू होता है, बबल हमारी मशीन सेट हो जाती है। तो बबल को देखें, बबल को पढ़ना सीखें। देखो बबल कोई बड़ी चीज नहीं है, बस हमें पढ़ना नहीं आता। जैसे यदि हम इंडियंस हैं और यदि हमें अफ्रीकन लैंग्वेज या जापानी लैंग्वेज वो लिख दें तो पढ़ने में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। वैसे ही है कि आप बबल को पढ़ना सीखें, कि बबल कह क्या रहा है, बबल को पढ़ते कैसे। आपने कभी किसी की किताबें पढ़ी हैं? चेहरा पढ़ के बताओ। तो आपने किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हैं, आज बबल पढ़ के दिखाओ। तो बिल्कुल बने रहो आखिरी तक, 5 सेकंड में हम आपके साथ हैं, समय बहुत ही कम लेंगे। और देखिए बबल किस तरफ है, बबल जिस तरफ है उसका मतलब ये है कि वो उस तरफ से उठा हुआ है। आप मशीन का बबल को अपने सामने कर लो, कोई भी लैग हो सामने, एक लैग हो या दो लैग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी देखो कि बबल उस तरफ है, मतलब उस तरफ से मशीन उठी हुई है। तो यहां से या तो उठा दो या इसको उन दोनों को गिरा दो। तो ये यहाँ पे हमारा है, एक लैग है इस तरफ और तो उस तरफ दो है। आपके केस में कुछ भी हो, बस ये देखना है कि उस तरफ से उठा हुआ है, वहां पे लैग है, यहां से लैग है, तो यहां लैग को आप उठा सकते हो। वहां से उठाना है, आपके पास में एक लैग है, उस तरफ से उठा हुआ है, तो वहां पे एक लैग देखो कि ये किनारे वाले लैग पे उठा हुआ है, तो उसको हमें एडजस्ट करना है। तो हम लैग को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, और ये हमने किया हल्का सा, इतना डाउन करेंगे कि हमारे बबल में मूवमेंट हो जाए। बबल को देखते रहना है, और बबल को देखते रहना है, और बबल में आप देखोगे कि मूवमेंट हो चुका है। आई गॉट इट, कि बबल में मूवमेंट हो रहा है। तो और अब ट्राइपॉड को अब एक लेग के अलावा दूसरे लेग से नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे बबल को लेग से ही सिलेक्ट करना है, नहीं, सिर्फ एक में करना है ताकि बबल में मूवमेंट आ जाए। इसके बाद में हमारे पास स्क्रू है। अब स्क्रू का काम देखो, अब आप देख रहे हो कि इस तरफ से उठ गया, तो या तो आप इसको गिरा दो या दोनों को उठा दो। तो यहां से गिराओगे तो मूवमेंट होगा और वो उस तरफ क्रॉस हो रहा है। अब उसको जकड़ लो तीनों स्क्रू से, क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, बबल का मूवमेंट दिखेगा।
और उसे सेट करना है हमारे शर्गल के अंदर, और शर्गल से बाहर नहीं होना चाहिए। और यहाँ से क्लॉक, एंटी क्लॉक, और यहाँ से थोड़ा सा किनारे वाले स्क्रू से भी, और आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल हो गया है सेंटर में, और थोड़ा सा और तो यहाँ वाले स्क्रू से ही। तो दोनों स्क्रू से मैंने जकड़ के रखा हुआ है और बस जंग जीतने वाले हैं। 5 सेकंड में ये चीजें हो गई, हमारा बबल कैद और जंग जीत गए, हम सर्कल के किंग हो गए। और 5 सेकंड लगना चाहिए एक सर्वेयर के, एक इफेक्टिव सर्वेयर का, क्योंकि सबसे ज्यादा समय इसमें लगाओगे तो कैसे करोगे सर्विंग। और जब आप रीडिंग पढ़ रहे होते हो तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, अब हमारे सारे स्क्रू को टाइट कर दो और मूवमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक हम रीडिंग पढ़ेंगे। और एक चीज और होती है हमारी, जब इसमें एक मिरर भी होता है उसमें भी आप जब देखोगे तो आपको वहां पे साफ साफ दिखाई देता है कि अल्टीमेटली है क्या। ये हमारा स्क्रू बबल है ना, वो रीडिंग के आसपास फोकस होता है, वहां पे सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो लेवलिंग गलत हो सकती है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको चीजें पसंद आई होंगी। और अभी तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो, ताकि आपको मिले सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड टू सी यू।